संग्रहालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 15 से 16 जनवरी तक चले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में विरासतों के मौजूदा स्वरूप और उसके डिजिटल रूप में संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी की भी शुरुआत की गई जो एक महीने तक चलेगी। संगोष्ठी पर ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय विरासत संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 15 से 16 जनवरी तक चली इस संगोष्ठी का एक अहम विषय था भारतीय परिपेक्ष में डिजिटल विरासत। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग भी शामिल रहा। चर्चा हुई कि किस तरह भारतीय संस्कृति और धरोहर को डिजिटल रूप में सहेजा जा सकता है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका कोई नामो निशान तक मिट जाता है, तो जब तक हम उनको फिजिकल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देंगे पर ऑल्सो डिजिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देंगे, जैसे कि पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, अब संस्कृत की हैं, ये सब कहीं भी लुप्त हो गई, अगर वो हमारे पास डिजिटल होता तो आज उसको हम वापस रिक्रिएट कर सकते थे। धरोहरों को डिजिटल तकनीक से सहेजने का काम भारत सरकार की पहल पर कई प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसमें कई स्टार्टअप्स ने पिछले सालों में प्राचीन विरासतों के डिजिटल रूप तैयार किए, जिनका एक नज़ारा राष्ट्रीय संग्रहालय में लगाई गई प्रदर्शनी में देखने को मिला। लेजर मैपिंग द्वारा बनाए गए नक्शों और ऐतिहासिक जानकारियों के आधार पर ये मॉडल 3D प्रिंटिंग से तैयार किए गए हैं, जिनमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकों का उपयोग कर उन्हें सजीव बनाया गया है। पहले पूरे एक मॉन्यूमेंट का लेजर स्कैनिंग होता है, लेजर स्कैनिंग डेटा को लेके हम लोग उसके डिजिटल मॉडल्स बनाते हैं, वो डिजिटल मॉडल्स को 3D प्रिंट करते हैं, तो आपको जैसा मॉन्यूमेंट है वहाँ पे वो एक्चुअली उसी ट्रू स्केल में किसी भी साइज में आप चाहे छोटे में बड़े में आप उसको 3D प्रिंट करके लोगों को दिखा सकते हैं। 2014 में हम्पी मंदिरों के मॉडल से हुई शुरुआत अब बड़ा रूप ले चुकी है। प्रदर्शनी में कोणार्क का सूर्य मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर, रानी की वाव जैसे ऐतिहासिक स्थल और ताजमहल के मॉडल रखे गए थे। इस तकनीक से इन स्थलों के प्राचीन स्वरूप को देखा जा सकता है, साथ ही घर बैठे इनकी सैर का वास्तविक आभास भी किया जा सकता है। यहाँ पर 3D मॉडल्स थे, यहाँ पर आपने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ किया है, जिससे पीपल इंटरैक्ट हो रहे हैं कि ओके कुछ हमें इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिल रही है। अब इसमें आपको चिल्ड्रंस में जाएंगे तो आप उसको एक गेम की तरह से आप सिखा रहे हो बच्चों को कि ओके आप देखो इसके अंदर है क्या चीज़। प्राचीन धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों के अलावा इस तकनीक का इस्तेमाल विलुप्त हो रही नृत्य जैसी विधाओं को सहेजने में भी किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक का ये उपयोग न सिर्फ भविष्य के लिए हमारी धरोहर को संरक्षित करेगा, बल्कि खत्म हो रही जानकारियों को भी दोबारा डिजिटल रूप में सहेज कर सुरक्षित किया जा सकेगा।